आ रहा है, देखो ये है माल रोड, सारा ये माल रोड है, ये देखो। दर्शन करते हुए इधर हुआ भाई बट्ठा फॉल पे। तो हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करें अपना व्लॉग गाड़ी से, और आज हम सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े हैं वो आपको पता लग ही गया होगा टाइटल से। सो आज हम जा रहे हैं, हमारा प्लान बन गया था अगर कि हम चलेंगे मसूरी, जाएंगे घूमने। भाई सुबह के बज गए हैं 8 और हम निकले थे घर से पूरे 7 बजे। सो बने रहिए हमारे साथ, और ये है सो तो रास्ते में भी दिखाएंगे मंसूरी, देहरादून में भी देखेंगे कि क्या कुछ है घूमने का। सो हम अभी सीधे जाएंगे देहरादून, और नदी का पुल है ये है यमुना, हमारी लैंग्वेज में देसी में बोलते हैं जमुना आ गई है, ये जमुना, ये जमुना, ठीक है ना। कुछ दिख रहा है, कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत। वहां से हो गया है उत्तर प्रदेश में हमारा हार्दिक स्वागत कर दिया गया भाई, वाह क्या बात है। एक पिटने वाला काम कर दिया है। हम जा रहे हैं मसूरी, और पता ही है वहां सर्दी होती है, और मेन चीज ही भूल गया, गरम कपड़े। उसका दिला दिया सुबह सुबह, है ना, पिटने वाला काम कर दिया भाई। ये आ गए हम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश खत्म, उत्तराखंड शुरू स्टार्ट, और यहाँ से हो गया पहाड़ स्टार्ट। पहाड़ तो पीछे से ही हो गए थे स्टार्ट, तो हम ऊपर आ गए हैं, और सोनू के कान रुक गए हैं थोड़े थोड़े, यानी मेरे नहीं रुके अभी। सो अभी ऊपर ये देखो चढ़ाई शुरू हो गई है भाई, अभी पहाड़ 25 किलोमीटर है, और अभी तो देहरादून अभी दूर है। यहाँ पे आ गए हैं खतरनाक खतरनाक मोड़, फुल खतरनाक मोड़ है भाई, आराम आराम से चलाएंगे हम तो, कोई जल्दी नहीं है। अभी टनल से गुजर रहे हैं, जो हम मूवीज में देखते हैं, है? खंड में स्वागत है भाई। स्टेशन अंतरराज्य बस अड्डा, वेलकम टू देहरादून। देहरादून में आ गए हम, अच्छा शहर लगा, बहुत अच्छा, साफ साफ है, सुंदर है एकदम। यहाँ से तो अच्छा ही लग रहा है इस सड़क से तो, है ना। ये हम बाहर की साइड से जा रहे हैं ना, बीच में पड़ ली है, बीच में है। ये लो भाई, कौन कहता है देहरादून पहाड़ों में नहीं है, इतने बड़े बड़े पहाड़ है भाई, फुल इतने ऊपर आ गए हम, बहुत ज्यादा। ये सशस्त्र धारा है, हम जा रहे हैं सशस्त्र धारा, और इसका जो रूट है ना, ओ माय गॉड, इतने मोड़, इतने मोड़, भयानक मोड़ है भाई। हम आ गए हैं सशस्त्र धारा, ये देखो पीछे, ओ सोनू देख रहा है। तो हम कार को पार्क करके और आ गए हैं, अभी आपको दिखाते हैं क्या कुछ है सशस्त्र धारा में। हम तो फर्स्ट बार आए हैं भाई, और बहुत अच्छा ही लग रहा है कुछ देखने में, तो आगे जाके देखते हैं क्या कुछ है। तो गाइज ये है यहाँ पर द्रोण गुफा शिव मंदिर सशस्त्र धारा, जो फेमस है मतलब, और यहाँ पे ये है लोग नहा रहे हैं। झरने चल रहे हैं यहाँ पे, वो थोड़ा सा वहां दिख रहे हैं, पास से दिख रहे हैं, ऐसे नहीं दिख रहे। यहाँ से झरने आ रहे हैं, वो देखो ऊपर नीचे नीचे, और ये यहाँ पे पुल नहाने का है भाई। वो दूर से आ रहे हैं भी ये जने, हम तो देखे जा रहे हैं वो ऊपर से भी बहुत पीछे से, और ये घूम के दूर नीचे जा रहे हैं, और अभी हम जाएंगे वहां पर मंदिर देख के आएंगे, वहां झरने हैं वो देख के आते हैं। चलो ये देखो गाइस कितना सुंदर लग रहा है, पानी आ रहा है, देखो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, है क्या? है? मंदिर के पास जावा है तो नीचे तो यो ही झरने होंगे ऊपर भी। गुफा है, और इस गुफा में अगर कैमरे से दिखा पाऊं तो ये देखो पानी की बूंदे, ये पानी ऐसे आ रहा है, पहाड़ों से रिस रहा है ये पानी,
और ये पानी यहाँ से आते बाहर जा रहा है और सशस्त्र धारा में मिल रहा है। ये गुफा सो गाइस ये है वही सशस्त्र धारा, ऐसे घूम के यहाँ पे ये मंदिर है और यहाँ पे हमको दिख गया एक झरना, सुंदर सा झरना। ये पता नहीं आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, देखो ऊपर से पानी कैसे दिख रहा, दिख रहा है। देखो पानी आ रहा है, दिखाना ऊपर, देख आपने ऊपर कैसे, तो मतलब पता नहीं ये पहाड़ों में जैसे माल के छत्ते से शायद टपक रहे हो। देखो ये देखो दिख रहा है, ये ऐसे माल के छत्ते से पानी टपक रहा है और ये आते हुए यहाँ पे, और ये पहाड़ रिस रहे हैं ये, और ये यहाँ पे, और यहाँ पे हे हरी राम प्रभु जगन्नाथम कृष्ण। ये तो हमको ये देखो ऊपर से पहाड़ आ रहा है, ये मतलब फोन में इतना अच्छा, कैमरे में इतना दिख नहीं पा रहा है जो मतलब, लेकिन जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दिखाई रहे हैं रियल। ये हम नजदीक से दिखाते, ये लो नजदीक से दिखाते हैं, देखो गाइस अंदर वीडियो बनाना मन है, फोटो खींचना, तो हम अंदर जाके आ गए हैं, मत्था टेक के आ गए हैं और वीडियो नहीं बना पाए, अंदर शिवलिंग है। भाई हम सशस्त्र धारा देख के आ चुके हैं, अच्छा है मतलब है ना, बच्चों के लिए है, बच्चों तो एन अच्छे से खेलना कूदना पानी में। सो भाई अभी हम जा रहे हैं, वहां से निकल लिए हैं और हमने खाना भी खा लिया है दोपहर का, और अभी बज गए हैं 12:30। सो अभी हम चलते हैं सीधे मसूरी जाके रुकेंगे, ठीक है, बीच में आपको रास्ता दिखाएंगे, बीच में आपको रास्ता भी दिखाते चलेंगे कैसा कुछ है मसूरी का रास्ता। ये लो भाई जबरदस्त मोड़, हम यहाँ पर रुके हैं अभी थोड़ी देर, मैगी वैगी देखते हैं खाते हैं, वैसे तो अभी खाना खाया था इतनी भूख नहीं है, लेकिन पहाड़ों में आके मैगी का मजा लेना तो बनता है। सो अभी ऑर्डर कर दिया और अभी वादियों का नजारा लेते हैं। गाइस ये हम बैठे हैं और यहाँ पर ये देखो ये पूरा देहरादून दिख रहा है आपको, नीचे दून वैली और ये देखो हवा लग रही है कितनी सुंदर सुंदर। यहाँ से हमने मैगी ऑर्डर किया और एक कोल्ड ड्रिंक, पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों में आए मैगी का मजा ना ले ऐसा हो सकता है, हमने शिमला में नहीं किया था, शिमला में खाई नहीं थी, सो अभी ट्राई कर रहे हैं। मेरे फोन की बैटरी हो गई है कम, लो ही हो गई है, इसको लगा लेते हैं फिर बनाते हैं लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ये लो भाई आ गए हम मसूरी, वो दिख रहा है उस साइड, और ये क्या जबरदस्त पहाड़ है भाई, ये नीचे दिख रहे हैं सड़कें और हमारे कान सर सब रुका हुआ है, दर्द हो रहे हैं कानों में भी। सो गाइस हम यहाँ पर लगे हैं लाइन में और अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने रूम ले लिया है और
माल रोड पे हैं, माल रोड से रोपवे के थ्रू हम गन हिल पॉइंट पे जाएंगे। गन हिल पॉइंट में लाइन में लगे हुए हैं रोपवे की। टिकट ले लिया, सो अंदर अभी जाएंगे, अभी आपको रोपवे दिखाएंगे, गन हिल दिखाएंगे। हम नवीन देखा गन हिल रोपवे कितनी बड़ी है, क्या कुछ है इसकी। चलो रोपवे में बैठते हैं और फिर देखते हैं। खुशो, इतने बंदे बैठेंगे भाई। सो गाइस ये हम आ गए हैं ऊपर, ये है गन हिल पॉइंट, गन हिल। सो गाइस ये है गन हिल, अभी तो हमें यही कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और ये लो भाई मेरी फोटो खिंचवाने पे तुले हैं, ये फोटो खिंचवाने पे तुले हैं। ट्रेडिशनल ड्रेस में फोटो खिंचवाई जा रही है। कांचा रे प्रीत मेरा कांचा जाए, आ जा। पीछे के पहाड़ देखे जाए तो क्या जबरदस्त, कैमरे में अंत ही नहीं पहाड़ पीछे, इतना जबरदस्त व्यू। तो ये कांची है कांची सुन साहिबा सुन। सो लेट्स गो, हमने फोटो करवा लिया और अभी चेंज करते हैं। सो गन हिल देखते हैं कैसा है, कुछ है क्या कुछ है, बस यही है गन हिल। आपको भी दिखाएंगे चारों तरफ घूम के, जिसको जहाज में घूमना है वो भी घूम सकते हैं यहाँ पे। ये देखो हेलीकॉप्टर जा रहा है यहाँ देखने का है। सो गाइस ये है भाई गन हिल, यहाँ पे इस साइड आया हम, यहीं पे भूत बंगला और कुछ शॉप्स हैं खाने की, बच्चों के खेलने की। और तो भाई ये देखो ये है व्यू यहाँ से तो। और मेरे फोन में बैटरी भी कमी हो गई है, पता नहीं आज क्यों जा रही है इसकी बैटरी। और यहाँ से आप हेलीपैड भी ले सकते हो। ये हेलीपैड क्या अभी तो गए थे यहाँ, मैंने दिखाया था। सो गाइस अभी पता नहीं क्या धुंध सी हो गई है, फॉग सी हो गई है, सो इस करके कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये हम कर रहे हैं अभी अपनी रोप वे की वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आई है। सामने आपको देहरादून दिख रहा है थोड़ा, ये फिंगर करके दिखा देंगे, वो नीचे देहरादून है और ये ऊपर है मंसूरी, मसूरी, मसूरी। सो गाइस यहां से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मैंने हम रोपवे में अकेले बैठे हैं, पिछले कैमरे से देखो मंसूरी का व्यू है भाई, यहां से पूरा मंसूरी दिखा दिया, मसूरी। ये लो वो री फॉग सी हो रही है तो ये मसूरी, पर हरियाणा में मंसूरी कहते हैं, मंसूरी है हमारी तो मंसूरी है। सो भाई हम आए ऊपर गन हिल से, जो कि यहाँ से मतलब मंसूरी का सेकंड कितने बंदर बैठे, सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है भाई। कुल मिला के हमको माल रोड पे घूम रहे हैं, माल रोड पे तो घूम रहे हैं लेकिन हमें वो मजा नहीं आया जो हमें शिमला में आया था। अभी तक सारा थोड़ी घूम लिया मंसूरी, लेकिन वही बात है जो माल रोड की कह सकते हैं, माल रोड शिमला का ज्यादा बड़ी है। अभी तो हम गन हिल पे ही गए बस। तो भाई हम रुके रेस्टोरेंट पे, यहाँ से हम खाना पैक करवा लेंगे और साथ में हमने ले लिया यहाँ पे गुलाब जामुन है। सो वही कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, सो हमने यहाँ पर गुलाब जामुन ले लिया और कह रहा है सोनू कह रहा है कि बहुत टेस्टी है, तो मैं खा। भाई कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखो, ये है माल रोड, सारा ये माल रोड है। और हम चलते चलते इतनी दूर गए थे, बहुत दूर तक, और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने रूम पे होटल में। और मुझे यहाँ पर अच्छा सा व्यू दिखा, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। ये देखो वाह 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 वाह, वो नीचे देहरादून दिख रहा है, इसमें थोड़ा दिखता है कैमरे में, तारे से दिखा नहीं। होटल में आ गए हैं और ये है हमारा रूम इधर भाई। होटल अभी आपको सुबह दिखा देंगे हम बाहर से, अभी ये और ये बालकनी का व्यू है। एक मिनट, ये है भाई यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है साथ में, और ये देखो भाई
नाइस। और यहाँ पे मंकी भी आते हैं भाई, अभी था अभी यहाँ पे लंगूर बंदर। ये है अभी तो दिख रहा है, ये होटल है। अच्छा है भाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा, नाइस व्यू। गाइस आज के ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलेंगे आपको फ्रेंच फ्राइज के साथ। सो हमने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए हैं अभी, तो थोड़ा सा स्नैक्स में। सो अभी बाय बाय करते हैं, और मंकी की आवाज़ आ गई है, मंकी की आवाज़ आ गई है भाई। इसी के साथ हम लोग को एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बने रहिए हमारे साथ।